हेलो एवरीवन सभी का वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश शूटर पे आज द हिंदू की बजाय द इंडियन एक्सप्रेस से इस खूबसूरत से आर्टिकल को प्यारे से आर्टिकल को पढ़ेंगे इंडिया रोरिंग ट्वेंटीज़ इसका टाइटल है बहुत ही इंस्पायरिंग आर्टिकल है आपको इंस्पायर करेगा कॉन्फिडेंस देगा इंडिया के अंदर और लर्निंग लेसन से भरपूर है ग्रामर वकैब हर चीज़ आपको इसमें ठीक ठाक मात्रा में अनुपात में मिलेगी शुरू करेंगे आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में क्विज़ को ज़रूर से अटैम्प्ट किया करो पूरा आर्टिकल पढ़ते हो ना क्लास के लास्ट में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं क्विज़ पे अप्लाई करके देखा करो कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं थोड़ा मेहनत लग करके क्विज़ बनता है लेकिन इसीलिए बनाया जाता है रोज़ आप उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर फील करें चलिए क्लास के लास्ट में क्विज़ का सोल्यूशन आपको करवाएंगे आइए कुछ नया सीखते हैं जो बच्चे क्लास में नए हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल बेसिक से हर रोज इंग्लिश को हर एस्पेक्ट को आपको कवर करना इस चैनल पे सिखाया जाता है करा इंडियाज़ रोरिंग ट्वेंटीज़ भारत की रोर करती हुई ट्वेंटीज़ रोर करने का मतलब समझते हैं धाड़ना शेर की जो धाड़ होती है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोर है ना रोर अब ये रोरिंग ट्वेंटीज़ है क्या देखो इतिहास की कुछ घटनाओं के साथ में हमने अंग्रेजी के कुछ ईडियम्स बना दिए हैं जैसे रोरिंग ट्वेंटी एक इतिहास की घटना है जैसे स्पुटनिक मोमेंट ये भी एक स्पुटनिक जो है रशिया का सेटेलाइट था उससे बनी हुई एक मोमेंट है दोनों का मीनिंग निकाल के दिखाता हूँ आपको रोरिंग ट्वेंटी क्या है जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1914 से 1918 के बीच में जो हुई थी 18 के बाद में पुनर्निर्माण करना शुरू किया गया दुनिया का रिबिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू हुई अमेरिका में यूरोप में है ना जापान में इवन जर्मनी में हर जगह नुकसान होने के बाद में पूरी दुनिया ने जब रीबिल्ड किया तो बहुत तेज़ी से देखा कि दुनिया ग्रो करने लगी इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस होने लगी वाइब्रेंट होने लगी क्योंकि एक जो तबाही के बाद में आप फिर से रीबिल्डिंग करते हैं तो आपके अंदर जोश होता है तो 1920 से लेकर के 1928 के बीच का वक्त उन्नीस में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था बहुत बड़ी मंदी आ गई थी तो उस मंदी से पहले का जो वक्त था ना इसमें दुनिया ने बहुत ग्रो किया तो ये रोर करती हुई ट्वेंटीज़ थी दहाड़ती हुई ट्वेंटीज़ का जो जो है दशक था उन्नीस का दशक अब वहीं से हमने एक ई को बना दिया रोरिंग ट्वेंटीज़ रोरिंग ट्वेंटी का मतलब होता है जी वाइब्रेंट एंड prosperous डेकेट्स इंडिया की रोरिंग ट्वेंटीज़ सौ साल बाद आज 2022 या 2023 से शुरू हो रही है तो वही बात कर रहा है कि जो दो उन्नीस में वेस्ट में हुआ था वैसे ही इंडिया की रोरिंग ट्वेंटीज़ अब शुरू हो चुकी हैं भारत में भी अब वही जो गर्म जोशी को अब देखेंगे चलिए ई आप समझ गए होंगे आप पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी रोरिंग ट्वेंटीज़ वहीं से एक और ईडियम बनती है स्पर्टनिंग मोमेंट आपको ऑलरेडी करवाई जा चुकी है जिन बच्चों को आती है याद करके बताओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर इस ईडियम पर वापस आएंगे आगे कह रहे जी इंडियंस विद अ सिग्निफिकेंट डिस्क्रिप्शनरी कैपैसिटी कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट लार्जर देन सेवरल कह करे जो भारतीय हैं इंडियन हैं और किस चीज़ के साथ में भाई विद एक बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शनरी कैपैसिटी के साथ में कैपैसिटी आपकी क्षमता है डिस्क्रिप्शनरी होती है आपकी विवेक से भरी मनमर्जी भरी डिस्क्रिप्शनरी कैपेसिटी वो कैपेसिटी है वो पैसा है आपकी जेब में जिसको आप अपने विवेक से कभी भी खर्च सकते हैं आपके पास हजार रुपए पड़े हैं जेब में एक्स्ट्रा पड़े हैं इसमें से सौ रुपए आपको कभी खर्चने पड़े तो आपको ज्यादा जोर नहीं आएगा तो ऐसे इंडियंस जिनकी जेबों में पैसे पड़े हैं डिस्क्रिप्शनरी कैपेसिटी जिनकी बढ़ रही है बहुत ज्यादा है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मिल करके बनाते हैं एक ऐसी मार्केट को जो बड़ी है कई इकॉनमीज से दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं से समझ पाए सेंटेंस को कितना पावरफुल सेंटेंस है 140 करोड़ इंडियंस में से जो 10-12 करोड़ इंडियंस हैं जो बहुत पैसा रखते हैं जेब में अपर मिडिल क्लास में आते हैं ये इंडियंस इतना पैसा अपनी जेबों में रखते हैं कि दुनिया की कई इकोनॉमीज हैं छोटी मोटी उनसे ज़्यादा पैसा इन दस बारह करोड़ लोगों की जेबों में रखा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा बाजार है अपने आप में इंडिया की रोरिंग ट्वेंटीज में बहुत बड़ा योगदान ये अपर मिडिल क्लास लोग दे रहे हैं इंडियंस आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूट आपकी वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है फॉर्म करना किसी चीज़ को मिलकर बनाना ये लोग मिल करके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक मार्केट को बाजार को लार्जर यहाँ पे एडजेक्टिव है कंपेटिव डिग्री हमेशा देन के साथ लगाई जाती है कंपैरिजन करने के लिए डिस्क्रिप्शनरी आपको समझा दिया देसी भाषा में डिस्क्रिप्शनरी का मतलब होता है मनमर्जी वाला आपकी डिस्क्रिप्शनरी कैपेसिटी वो है जो मन मर्जी से आप खर्च कर सको जब आपका मन आए जहाँ पे जितना खर्चा करना हो चलिए आगे बढ़े आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे सारे वोकैब वर्ड्स आप एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें स्पटनिक मोमेंट आपको बता देते हैं देखिए आप इसको स्पूतनिक बोलते हैं लेकिन इसका असली नाम है स्पटनिक हिंदी में अपने उल्टा सीधा बोल देते हैं ना चीज़ों को रशिया को रूस बोल देते हैं चाइना को चीन बोल देते हैं जो मर्जी बोल देते हैं अपने तो ये स्पटनिक एक पहला सेटेलाइट था किसी भी कंट्री का दुनिया में फिफ्टीज़ के अंदर जो स्पेस में गया था और ये सेटेलाइट था रशिया यानी यूएसएसआर का उस वक्त यूएसएसआर था तो सोवियत संघ का जो स्पटनिक जो है सेटेलाइट आसमान में जब गया और इसकी न्यूज़ जब दुनिया भर में छपी उस न्यूज़ को देख करके अमेरिकन जो है ना बड़े हैरान हो गए अमेरिकन की उस वो जो ना अवेकनिंग की मोमेंट थी उनकी आंखें खुली उस वक्त कि रशिया यानी यूएसएसआर हमसे कितना आगे निकल गया है हम तो यहाँ ज़मीन पे झगड़ा कर रहे हैं ये तो अपना स्पटनिक जो है चांद की तरफ भेज चुका है तो वो स्पटनिक मोमेंट थी अमेरिकन के लिए उसके बाद अमेरिकन्स ने ताबड़तोड़ जो है स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया रशियन से कम जो है कंपेरिजन करने के लिए उनकी राइवलरी करने के लिए तो स्पटनिक मोमेंट जो है ना उस घटना से जुड़ चुका है आज किसी भी मोमेंट को जब आपकी आंखें खुल जाएं जब आपको यह पता लगे जीवन में कि मैं बहुत पीछे रह गया हूं वो मोमेंट आपके जीवन की स्पटनिक मोमेंट कहलाती है ठीक है इसको बोल सकते हैं अ मोमेंट अ मोमेंट ऑफ ठीक है awakening मतलब जब आपकी आंखें खुले तो हिस्ट्री से जोड़ के बनी है idioms, interesting है याद रखना है इनको अब आ जाओ जल्दी से वो देखते हैं साथ जिन को की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पैकेज की जरूरत है तो टेस्ट बुक की सेल एक्टिव हो चुकी है मॉक टेस्ट पासिस पे दो दिनों के लिए आप इसका फायदा ले सकते हैं इस सेल में आपको वन ईयर का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है टू सिक्स रुपीज के मामूली से प्राइस पे जिसमें आपके 700 से ज्यादा एग्जाम्स के सत्तर हजार मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं इसमें एसएससी, बैंकिंग रेलवेज डिफेंस सभी के मॉक टेस्ट आ जाएंगे एक ही पास लेना है आपको अलग अलग नहीं लेने हैं इसी मॉक टेस्ट पास को आप अपग्रेडेड वर्जन में प्रो वर्जन में 359 में भी बाय कर सकते हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नॉर्मल या प्रो वर्जन को आप चूज करें कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है नॉर्मल टेस्ट पास आपको दिखाएगा टू एटी फोर रुपीज का जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे आप वाई टी टेन ये पास घट के हो जाएगा टू सिक्सटी नाइन का इसी तरीके से प्रो वर्जन आपको थ्री सेवेंटी नाइन का दिखाएगा मगर आपको कोड अप्लाई करना है वाई टी टेन एंड योर रिड्यूस प्राइस वुड बी थ्री फिफ्टी नाइन रुपीज सेल का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है इफ यू नीड द पास दिस इज द राइट टाइम चलो जी अपनी वो कैब शीट आज की इंडिया रोरिंग ट्वेंटीज है ना थोड़ा इसको अपने दे देते हैं जूम कर देते हैं इसको पांच वर्ड है अपने पास पहला वर्ड है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिशन का मतलब होता है स्व विवेक या मनमर्जी जो इच्छा हो जो आपकी रजा हो जो मनमर्जी हो वो आपका डिस्क्रिप्शन कहलाएगा और डिस्क्रिप्शन से ही डिस्क्रिप्शनरी बनाए जिसका मतलब होता है मनमर्जी भरा बेल इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट बेल जो है जमानत जो है दी जाती है कोर्ट की मनमर्जी के हिसाब से कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से जज साहब को लगेगा बेल देनी है तो दे देंगे नहीं लगेगा तो नहीं देंगे ऐसा नहीं है आप जज साहब को पूछें कि बेल क्यों नहीं दी जज साहब यही बोलेंगे मेरा डिस्क्रिप्शन है भाई संविधान में मुझे मनमर्जी का अधिकार मिला हुआ है हालांकि वो भी कुछ देखते ही होंगे बहुत चीज़ें उनको कंसीडर करनी है लेकिन लास्ट कॉल जो है जज साहब की होती है तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे एडजेक्टिव फॉर्म में नेक्स्ट वर्ड है अपना वर्जन देखिए वर्जन का मतलब होता है फलना फूलना ग्रो एंड प्रॉस्पर करना थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है बर्जन वर्जन लेकिन बार बार सुनोगे ना तो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा फलने फूलने को थ्राइव या प्रॉस्पर करना फ्लरिश करना मशरूम करना भी बोलते हैं आज वर्जन और थ्राइव दोनों वर्ड्स आप, आप आर्टिकल में देखेंगे द जी डी पी ऑफ द नेशन हैज़ बी मर्जनिंग एट अ क्विक पेस फॉर द लास्ट टू डैकेट्स जो जी डी पी है इस देश की वो ग्रो कर रही है फल फूल रही है बहुत तेज रफ्तार से क्विक पेस से पिछले दो डैकेट से पिछले बीस सालों से चलिए अगला वर्ड अपना आज का क्लाउड क्लाउड क्या होता है भाई क्लाउड आपका दबदबा आपका इन्फ्लुएंस या आपका स्वे क्लाउड को आप अथॉरिटी इम्प्रिंट या हेफ्ट भी बोलते हैं हेफ्ट आपके वजन के लिए यूज किया जाता है किसी भी बात में आपका दबदबा जो होगा जो वजन होगा वो आपका हेफ्ट है अगर आपके पास बहुत सारे पॉलिटिकल दोस्त हैं तो ये आपका पॉलिटिकल हेफ्ट हो गया अगर आप बहुत पैसे वाले व्यापारी हैं बड़ा धंधा करते हैं कुछ बड़ी नौकरी में हैं तो वो आपका इकोनॉमिक हेफ्ट हो गया समझ पा रहे हो ना इस वर्ड को ऐसे आपको यूज़ करना है द कंपनीज यूज एयर क्लाउड टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी कंपनीज इस्तेमाल करती थी अपने दबदबे को ताकि पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सके सरकारी पॉलिसी को प्रभावित कर सके अपने हिसाब से सरकार की पॉलिसी को बना सके नेक्स्ट वर्ड अपने पास केटर केटर का मतलब होता है जी किसी को सर्व करना या सप्लाई करना इसी से आपने वर्ड बनाया हुआ है केटरस केटर कौन होते हैं शादियों में आते हैं ना जो खाना बनाएंगे सर्व करेंगे आपको पर प्लेट के हिसाब से उनको पैसा दे देना है सब काम वो खुद से देख लेंगे तो वो क्या करते हैं खाना सप्लाई करते हैं केटरर्स बोल देते हैं अपने केटरिंग का बिजनेस भी होता है कुछ लोगों का वहीं से केटर नाम का वर्ड निकला हुआ है सेवा देना या सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब जरूरी नहीं है कहीं खाना वाना खिलाना वहीं पर केटर लगाना है देखो कहीं भी आप केटर कर सकते हैं मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चरर्स कार्स टू केटर टू द नीड्स ऑफ मिडल एंड लोअर मिडिल क्लास ऑफ इंडिया मारुति सुजुकी जो है मैन्युफैक्चर करती है कारों को ताकि वो सर्व कर सके नीड्स को मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की भारत में मारुति से आपको लग्जरी कार्स नहीं मिलेंगी लग्जरी कार्स लेनी है तो फिर हुंडाई में जाओ है ना फॉक्स में जाओ मारुति सुजुकी में क्या आठ दस बारह लाख की कार मिलेगी लोअर मिडिल क्लास की और अपर मिडल जो है मिडिल क्लास की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तो ये ऐसे इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं केटर के बाद में हमेशा टू लगाया जाता है जिसको भी आप सर्विस दे रहे हैं तो मारुति सुजुकी सर्विस देता है नीड्स को मिडिल क्लास की केटर्स टू द नीड्स ऑफ मिडिल क्लास चलिए लास्ट वर्ड देखेंगे आज का मोरिबंट इसको बोलते हैं मोरबंट मोरबंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो रुकी हुई है आगे नहीं बढ़ रही जैसे किसी तालाब का पानी और रुकी हुई चीज़ हमेशा स्टेगनेंट होती है रॉटिंग होती है अगर जीवन में कोई चीज़ रुकी हुई है ना तो ऐसा समझ लो वो पीछे ही जा रही है रुकी नहीं हुई वो पीछे आ रही है क्योंकि या तो आप आगे जाएंगे या पीछे आएंगे एक जगह रुक नहीं सकते तो तालाब का पानी भी जो है वो रुका हुआ पानी वो प्योर नहीं रहता वो थोड़े टाइम में ख़राब होने लगता है तो ये जो है ना नेगेटिव वर्ड है स्टेग्नेट या मॉरबंट समथिंग नॉट इंप्रूविंग या समथिंग डिटेरोरेटिंग वेरी फास्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1992 नाइनटी टू वर नेसेसरी टू डिवाइव अ मॉडर्न इकॉनमी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे आर्थिक सुधार जो थे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के उन्नीस सौ बानवे के वो जरूरी थे ताकि फिर से जान फूंकी जा सके एक बंद पड़ी एक सड़ती हुई अर्थव्यवस्था में मॉडर्न इकॉनॉमी में चलिए पाँच वर्ड्स डिटेल में हो गए आर्टिकल पर आ जाओ एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है देशी भाषा में बता रहा हूँ हमारे पास मिडिल क्लास इतनी तेज़ी से बढ़ रही है अपर मिडिल क्लास कि अगर उनके पैसे को आप जोड़ दें इन अपर मिडिल क्लास के पैसों को जोड़ करके आप दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ सकते हैं समझ पा रहे हैं अफ्रीका की इनफैक्ट यूरोप की पैसा बहुत है इनके पास समस्या सारी ये है कि ये जो आगे बढ़ रहे हैं ना ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे जो छूट गए पुअर उनका कोई सुनने वाला नहीं है और यही भारत का चैलेंज होने वाला है आने वाले टाइम में अमीर आदमी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर अडानी अंबानी की बात नहीं हो रही आप दिल्ली में निकल जाओ फ्रेंड्स कॉलोनी में साउथ एक्सटेंशन में जयपुर में निकल जाओ आप वैशाली नगर में या अहमदाबाद में निकल जाओ आप सेटेलाइट एरिया में तो वहाँ पर जो लोग आपको मिलेंगे मिडिल क्लास के लोग हैं वो कोई नेता नहीं है कोई बहुत बड़े अंबानी अडानी नहीं है लेकिन जेबों में उनके घरों में उनके करोड़ों रुपये का आपको व्यापार वो जो है धंधा मिलेगा तो ये लोग जो है इंडिया को रोरिंग ट्वेंटीज़ की तरफ ले जाएंगे बहुत तेज़ी से ग्रो करवाएंगे खूब पैसा खर्चेंगे भारत में बस समस्या ये है कि जो पुअर क्लास है उसको कैसे ना कैसे करके हमें ऊपर लाना होगा आज की टोन है सेंग्विन या ऑप्टिमिस्टिक बहुत ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है भारत की उभरती हुई अपर मिडिल क्लास में शुरू करें आर्टिकल को थोड़े वो चैलेंजेस भी बताएगा लेकिन ओवरऑल आपको ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेंट करके बताएगा reality, reality क्या इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप शॉकेसिस अ ड्यूल रियलिटी अब वो रियालिटी क्या है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लेबर फोर्स अर्नस लेस देन फाइव डॉलर्स अ डे वे देयर इज़ ए ग्रोइंग नंबर ऑफ अपर मिडल इनकम हाउस होल्ड कह रहे जी इंडिया का जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है आर्थिक परिदृश्य है बैकग्राउंड है वो शोकेस करता है इल्यूमिनेट करता है दिखाता है शो करता है एक द्वंद्व को ड्यूअल रियलिटी को ऐसी हकीकत जो ड्यूअल है इधर कुछ और उधर कुछ और सिक्के के दोनों पहलू बिल्कुल उल्टे हैं तो क्या ड्यूअल रियलिटी है भारत की भाई कह रहे जी एक बहुत बड़ा पोर्शन है लेबर फोर्स का छोटे मजदूरों का कामगार कारीगरों का जो अर्न करता है पांच डॉलर से भी कम हर रोज लगभग चार सौ रुपये से भी कम हर रोज जबकि एक बहुत ग्रो करता हुआ नंबर है अपर मिडिल इनकम हाउस का मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग में आने वाले परिवारों का जो पांच डॉलर नहीं दिन के लगभग पांच सौ डॉलर भी कमाते होंगे कोई बड़ी बात नहीं है तो ये भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इनकी संख्या भी कम नहीं हो रही है ड्यूअल रियलिटी में भारत की अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगी लैंडस्केप आपका सब्जेक्ट है बैकग्राउंड बोलते हैं इसको आसान भाषा में वर्ब है इसकी शोकेसिस पोर्शन की वर्ब है आंस और नंबर की वर्ब है इज सेंटेंस जो है देर से शुरू हुआ है क्लोज इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है यहाँ नंबर्स लिखा होता तो वर्ब इज ना होकर के आर होने वाली थी कनेक्शन इन दोनों का है देर से कोई कनेक्शन नहीं है इस वर्ब का समझ गए चलो ग्रामर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको आगे करवाएंगे अभी थोड़ा सा फ्लो बनाते हैं कह रहे दिस शिफ्ट इज रिफ्लेक्टेड इन the राइजिंग इंटरेस्ट ऑफ फर्म्स both डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन सेटिंग अप शॉप्स एंड वर्कशॉप्स टू cater to टू burgeoning वर्जनिंग मार्केट कह रहे ये शिफ्ट जो है रिफ्लेक्ट होता है ये जो बदलाव दिखाया जाता है दिखता है बढ़ते हुए उस इंटरेस्ट में बढ़ते हुए उस रुचि में जो है फॉर्म्स का यानी कंपनियों का और दोनों ही टाइप की घरेलू भी और अंतर्राष्ट्रीय भी और ये इंटरेस्ट किस कि, किस चीज़ में भाई? है भाई इंटरेस्ट है सेटअप करने में इस्टेब्लिश करने में दुकानों को और वर्कशॉप को ताकि वो केटर कर सकें ताकि वो सेवाएं दे सके इस फलती फूलती हुई पैसे वाली उच्च मध्यम वर्गीय मार्केट को बर्जनिंग मार्केट को हर कंपनी भारत में आना चाहती है ये जो ये वाले लोग समझ गए आप साउथ एक्सटेंशन वाले फ्रेंड्स कॉलोनी वाले खूब पैसे वाले इन लोगों के लिए मार्केट मार्केट माना जाती है हमारी जो है भारत में इन लोगों के लिए कोई कंपनी नहीं आ रही क्योंकि इनके पास तो खुद ही बहुत कम रिसोर्सेज हैं ये हैं जो रिसोर्सफुल हैं शिफ्ट आपका सब्जेक्ट है एज इसकी वॉब है केटर करना किसी को सेवाएं देना सर्व करना केटर के बाद में हमेशा टूल लगा के बताएंगे जिसको भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं बर्जनिंग का मतलब होता है फलता फूलता थ्राइविंग डेवलपिंग ब्लॉसमिंग मशरूमिंग है ना ये सारे सारे इसके सिनोनिम्स हैं अब ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं आर्टिकल ज़्यादा बड़ा नहीं है ये मेरे ख्याल से पंद्रह मिनट में पूरा हो जाएगा ये है ना दो ग्रामर कॉन्सेप्ट हैं पहला कॉन्सेप्ट ये समझें कि ये जो चार वर्ड्स हैं पोर्शन प्रपोर्शन रेशो और परसेंटेज इनकी खुद की कोई वर्ब नहीं है इनकी वॉब आएगी इनके बाद में जैसा नाउन है ना ऑफ लगा हुआ और जो जैसा नाउन है उसके बाद में वैसे ही वॉब आ जाएगी नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर नाउन प्लूरल तो वब प्लूरल जैसा नाउन वैसे ही वॉब इनकी खुद की विचारों की कोई वॉब होती नहीं है यूज करके दिखाता हूँ थर्टी परसेंट ऑफ वर्कर्स हैज या हैव कमिटेड टू द स्ट्राइक फिफ्टी परसेंट ऑफ दिस लैंड इज या आर ओन्ड बाय अ ट्रस्ट तीस परसेंट वर्कर्स ने कमिट किया है भरोसा दिया है वादा दिया है इस स्ट्राइक में शरीक होने का कमिट टू द स्ट्राइक किया है और 50 परसेंट की जमीन है ये ओन की जाती है ट्रस्ट के द्वारा देखो यहाँ 30 परसेंट है यहाँ 50 परसेंट है लेकिन पहले केस में आप लगाओगे वर्ब हैव और दूसरे केस में आप लगाओगे वर्ब सिंगुलर यानी कि इज अब ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ऑफ के बाद में ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन लगा हुआ है वर्कर्स और यहाँ ऑफ के बाद में सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन लगा हुआ है लैंड लैंड को काउंट कर सकते हो क्या एक लैंड दो लैंड नहीं लैंड को काउंट करने के लिए बीघा हेक्टेयर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यार्ड कुछ लाना पड़ेगा तो हर वो चीज़ अंग्रेजी में जिसको काउंट करने के लिए अलग से यूनिट लानी पड़े किलोग्राम की मीटर की स्क्वायर मीटर की वो हर चीज़ जो है अनकाउंटेबल होती है क्योंकि काउंट करनी होती तो खुद ही हो जाती है ना सीधे सीधे काउंट अलग से यूनिट निकाल करके लाए हो किसी चीज़ की न्यूटन पास्कल तो वो यूनिट जो है अनकाउंटेबल चीज़ के लिए ही लानी पड़ेगी तो लैंड अनकाउंटेबल है तो आपने सिंगुलर वर्ब लगाई है जैसा नाउन वैसी वर्ब वर्कर्स काउंटेबल थे तो आपने प्लूरल वर्ब लगाइए समझ गए इस कॉन्सेप्ट को ये चार वर्ड्स आपको दिमाग में बिठा लेने हैं अ ह्यूज पोर्शन ऑफ कैटल वॉज या वर इन्फेक्टेड कैटल का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इन्फेक्टेड था मुझे बताओ इसमें वॉज लगाऊं या वर लगाऊं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है सबको आता होगा कैटल वर्ड देख लेना बेसिक्स में अच्छे से करवाया हुआ है इसकी खासियत भी आपको बताई हुई है है ना अब उसके हिसाब से चूज करो और कॉमेंट्स में डालो ताकि पता लगे कितने बच्चे ये कैटल वाला कॉन्सेप्ट याद करके बैठे हैं चलो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट अब आ जाओ सेकेंड कॉन्सेप्ट पे सेकेंड कॉन्सेप्ट ये कहता है द नंबर द नंबर के बाद में वर्ब आएगा सिंगुलर चाहे नाउन प्लूरल आए लेकिन अ नंबर के बाद में नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल अब लॉजिक से बताता हूँ ऐसा क्यों होता है ऐसा मत समझ लेना अमन सर ने बताया तो इसलिए प्लूरल आएगी इसलिए सिंगुलर आएगी देखिए द नंबर जो है ना इसका मतलब होता है आंकड़ा आप हिंदी में क्या बोलते हो एक्सीडेंट्स का आंकड़ा बढ़ रहा है एक्सीडेंट्स नहीं बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ ही रहे होंगे लेकिन हिंदी में क्या बोलते हो एक्सीडेंट्स का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो आंकड़ा जो है एक्सीडेंट्स का है लेकिन आंकड़ा तो अपने आप में सिंगुलर है इसलिए द नंबर जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है चाहे वो प्लूरल नाउन के लिए आ जाए एक्सीडेंट्स का आंकड़ा बढ़ रहा है शादियों का आंकड़ा बढ़ रहा है डिवोर्सिस का है ना लेकिन जो अ नंबर है ना अ नंबर ऑफ ये जो फ्रेज है ये बिल्कुल वैसा है अलॉट ऑफ अ नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारे द नंबर का मतलब है आंकड़ा अ नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारे बहुत सारे आदमी बहुत सारी औरतें बहुत सारे मैंगोज बहुत सारे स्कूल्स मतलब बहुत सारे वाला एक एडजेक्टिव है ये इसलिए इसकी वर्ब जो है हमेशा प्लूरल होगी क्योंकि अ लॉट ऑफ अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे यूज करके बताता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा द नंबर ऑफ होमिसाइड इंसिडेंट्स इज ये आर ऑन द राइस होमिसाइड के जो इंसिडेंट्स हैं मर्डर के जो इंसिडेंट्स हैं होमिसाइड मतलब मर्डर मर्डर के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ऑन द राइज हैं आपको द नंबर दिखा तो आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इसको लगाएंगे लेकिन यहाँ देखो अ नंबर अ ह्यूज नंबर ऑफ होमिसाइज इंसिडेंट्स हैज या हैव टेकन प्लेस सो फार दिस ईयर एक बहुत बड़ा होमिसाइज इंसीडेंट जो है काफ़ी सारे जो हैं टेक प्लेस कर चुके हैं अभी तक सो फार इस साल यहाँ पे अ नंबर ऑफ के हिसाब से या ह्यूज नंबर ऑफ़ के हिसाब से आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे कन्फ्यूजन हो रही है ना सर यहाँ प्लूरल लगा दी ऊपर सिंगुलर लॉजिक समझो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि आंकड़ा बढ़ रहा है होमिसाइड के इंसिडेंट्स का इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाइए द नंबर इज ऑन द राइज आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है आंकड़ा सिंगुलर है द नंबर की वर्ब भी सिंगुलर है लेकिन इस सेंटेंस का पता क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का सर ये मीनिंग है कि बहुत सारे आंकड़े जो है होमिसाइड के इंसिडेंट्स जो है हो चुके हैं इस साल अ नंबर ऑफ या अ लॉट ऑफ ए की बात होती है अगर मैं इसकी जगह अ लॉट ऑफ लगा दूं तो आप अभी बोलोगे सर प्लूरल वर्ब आएगी समझ गए मेरी बात को अ लॉट ऑफ है ना चलो लगा लेना समझ गए मेरी बात को चलो आगे बढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको आज के क्विज में मिलेगा लॉजिक आपको बताया ताकि आपको याद रहे आगे कह रहे हैं जी एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास करैक्टोराइज बाय हाउस होल्ड्स विद सब्सटेंशियल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कैपेसिटी हैज़ ऑलवेज बिन चैलेंजिंग कह रहे हैं जो एस्टिमेट करने का काम है साइज़ को यानी आकार को इंडिया की मिडिल क्लास के और वो मिडिल क्लास जो करेक्टराइज बाय है करेक्टराइज्ड बाय होने का मतलब है जिसका करेक्टर ऐसा है जिसका चित्रण ऐसा किया गया है जिसका चित्रण किया जाता है उन हाउस होल्ड्स के द्वारा जिनके पास बहुत सारी मनमर्जी की स्पेंडिंग कैपेसिटी है खर्चा करने के बाद में अगर उनसे और खर्चा करना हो तो वो कर देंगे उनके पास जेब में पैसे रहते हैं कह रहे ये जो है ना एस्टिमेट करने का काम ये हमेशा से चैलेंजिंग रहा है हमेशा से ही बहुत ज़्यादा चुनौती भरा रहा है एस्टिमेटिंग आपका सब्जेक्ट है हैज़ बिन हैज़ बिन इसकी वर्ब है जीडन सब्जेक्ट होगा वर्ब के आई एनजी फॉर्म तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा हैज बिन लगाएगा इसलिए अच्छा क्यों रहा है कह रहा है पर कैपिटा इनकम स्टेसिक्स एवरेजिंग अराउंड ट्वेंटी फोर हंड्रेड डॉलर फेल टू कैप्चर द कंसीडरेबल डिस्पैरिटीज बिटवीन रीजन्स लाइक डेली मुंबई बेंगलुरु एंड अदर्स वेयर द पर कैपिटा इनकम एक्सीड्स फाइव थाउजेंड डॉलर्स कह रहा है ये इसलिए क्योंकि पर कैपिटा इनकम के जो आंकड़े हैं जो स्टर्ट हैं जो एवरेज करते हैं जो एवरेज रहते हैं 2400 डॉलर के आसपास भारत में 140 करोड़ आदमी एवरेज हर आदमी साल में 2400 डॉलर कमाता है एवरेज इसका मतलब हुआ लगभग दो लाख रुपए तो ये जो ना जो आंकड़े जो दो लाख डॉलर की दो लाख रुपयों की बात करते हैं 2400 डॉलर सालाना की ये नाकामयाब रहते हैं फेल रहते हैं कैप्चर करने में सही तरीके से पकड़ने में उन बड़ी डिस्पैरिटीज़ को बड़ी असमानताओं को जो हैं इन रीजन्स के बीच में और किन किन रीजन्स के बीच में एक तो ये सारे रीजन्स दिल्ली मुंबई बेंगलुरु ये एरियाज और फिर दूसरे एरियाज जहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो पाँच हज़ार से ज़्यादा है तो दिल्ली में आपको सात हज़ार पाँच हज़ार वाले इनकम वाले एरियाज़ मिलेंगे साउथ साउथ दिल्ली में चले गए तो आपको वहाँ पचास हज़ार इनकम वाले एरियाज भी मिल जाएंगे पर कैपिटा पचास हज़ार डॉलर्स अमेरिका जैसी यूरोप जैसी है ना तो ये जो आंकड़े अलग हैं इन शहरों के और बाकी जगह आपको हो सकता है पंद्रह वाला भी मिल जाए कोई हजार इनकम वाला भी मिल जाए हजार डॉलर वाला तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है भारत में देखना कि कौन कितना कमा रहा है थर्टी की वॉब है फेल इनकम की वॉब है एक्सीड्स डिस्पैरिटी मतलब असमानता या इन इक्वालिटी कैर डिस्पाइड क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस दीज सिटीज विद इनकम्स ऑलरेडी इन द अपर मिडल ग्रुप अपर अपर मिडल इनकम ग्रुप रेंज बोस्ट सिग्निफिकेंट मार्केट पोटेंशियल कह रहे जी बावजूद स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्यूड का मतलब होता है जो कंसिस्टेंट ना हो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है हाउस होल्ड इनकम का तो दिल्ली में दिख रहा है जी पंद्रह हज़ार डॉलर है ना और बनारस में चले गए तो हज़ार डॉलर या पंद्रह सौ डॉलर फिर बलिया में चले गए बिहार में कहीं चले गए छपरा वपरा में देख लेना बिहार के जो पटना वटना का एरिया है वहाँ पर आपको मिला दो डॉलर फिर साउथ में चले गए आंद्रा में अं वहाँ मिल गया आपको जी पंद्रह डॉलर तो ये जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है कंसिस्टेंट नहीं है छितरा हुआ है कह रहे जी बावजूद इस छितरे हुए डिस्ट्रीब्यूशन के इनकम के ये जो सिटीज़ हैं जिनमें ऑलरेडी ओल, इनकम जो है अपर मिडिल जो है ग्रुप की रेंज में आती है दस दस पंद्रह पंद्रह हज़ार डॉलर तक आती है ये बोस्ट करती हैं ये प्राउड दिखाती हैं अपना और किस चीज़ का सिग्निफिकेंट मार्केट पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा बाजार की संभावनाओं का बोस्ट करना यानी किसी चीज़ को प्राउड से सबके सामने रखना सिटीज़ जो मुंबई बेंगलुरु जैसी हैं वो प्राउड से सबके सामने बहुत बड़ी पोटेंशियल को रखती हैं समझ गए चलिए सिटीज़ की वो है बोस्ट बोस्ट का मतलब आप समझ चुके हैं पोटेंशियल मतलब संभावनाएं या लाइवलीड आपके अंदर की कैपेसिटी कैपैसिटी कैरा द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इनकम्स ऑफ सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड डॉलर्स टू सेवेंटी वन थाउजेंड एंड थर्टीन डॉलर्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग पोटेंशली राइवलिंग मार्केट्स लाइक क्रोएशिया एंड दिथुआना कह रहे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है जो आंकड़ा है याद है ना द नंबर द नंबर जब भी आएगा सिंगुलर वर्ब लेगा क्योंकि आंकड़े की बात करेगा करे जो आंकड़ा है जो नंबर है इंडिविजुअल्स का ऐसे लोगों का जिनकी इनकम है ऐसी लाखों में इकहत्तर हज़ार डॉलर आप समझते हैं कितना हो गया लगभग साल के साठ पैंसठ लाख रुपए सात हज़ार डॉलर ही अपने आप में साल के छः साठ छः छः साढ़े छः लाख हो जाते हैं है ना छः लाख कह करे ये जो आंकड़ा है छः लाख से साठ लाख कमाने वाले लोगों का ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है हैज़ हेज़बिन इंक्रीजिंग और करे पोटेंशियल तरीके से ये राइवल करते हुए है इन लोगों का आंकड़ा ऐसी मार्केट्स को जो है क्रोएशिया और लुथुएनिया की भारत के अमीर लोगों को अलग कर देना तो क्रोएशिया और लुथुएनिया की पूरी जी अलग हो जाती है इतने इतना पैसा है इन अमीर लोगों के पास द नंबर हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है देखो वर्व लगाइए हैज बिन हैज बिन इंक्रीजिंग पीपीसी का इस्तेमाल किया गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज किया गया भाई पहले भी बढ़ रहा था आज भी बढ़ रहा है ना कोई काम ऐसा जो होता आ रहा है राइवल करना यानी चुनौती देना कॉम्पिटिशन देना कह रहे जी इंडिकेटर्स लाइक कार सेल्स एंड लग्जरी गुड्स कंजम्पशन फर्दर इलेस्ट्रेट द राइजिंग स्पेंडिंग कैपेसिटी जो इंडिकेटर्स हैं और किस टाइप के कितनी कारों की बिक्री हुई और कितने लग्जरी ग्रुप जो हैं गुड्स बिके कितने प्लाज्मा टीवी बिके कितने एसी सी बिके कह रहे ये और इलेस्ट्रेट करते हैं और आगे दिखाते हैं भारत की राइजिंग स्पेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ती हुई स्पेंड करने की क्षमता को इंडिकेटर्स आपका सब्जेक्ट है इलस्ट्रेट इसकी वो अब है। वाइल्ड एंट्री लेवल कार सेल्स कह करे जहां एंट्री लेवल जो कार की सेल्स है एंट्री लेवल कार्स कौन सी हैं ये ऑल्टो फोल्टो आती है ना ये ईन छोटी कारें करे जहाँ छोटी कारें जो हैं दो तीन चार लाख रुपए की एंट्री से लेवल कार्स इनकी सेल्स कम हो गई है स्लो कर गई है धीनी पड़ गई है भारत में वहीं जो सेल्स हैं हायर प्राइस कार्स की क्रेटा से लेकर के रेंज रोवर तक और लग्जरी वॉचेस की और आर्ट वर्क की बड़ी बड़ी मशहूर पेंटिंग्स की कह रहा है इनकी जो सेल्स है ना ये बढ़ चुकी है शोर घट चुकी है इंक्रीज़ कर चुकी है पॉइंट करते हुए एक फलती फूलती एफ्लुएंट एफुल्त सेगमेंट को अमीर सेगमेंट को एफ्लुएंट का मतलब है धनी रिच है ना वेल्दी जिसको लग्जरी कारों में और आर्ट वर्क में इंटरेस्ट होता है तो छोटी कारें अब कम बिक रही हैं महंगी कारों की सेल्स बढ़ती जा रही है और यही पता लग रहा है लोगों की जेब में इन सामानों को खरीदने का पैसा आ रहा है सेल्स की वॉब हैव है स्लोड और यहाँ सेल्स जो है हायर प्राइस कार्स वगैरह की इनकी वॉब हैव है स्ड शोर करना किसी चीज़ का बढ़ना इंक्रीज करना स्पाइक करना इसका एंटरनिंग होता है जी किसी चीज़ का घटना डिक्रीज करना प्लंज करना या नोज डाइव करना शोर और प्लंज एक दूसरे के सिनोनी में हमेशा जोड़े में आएंगे याद रखना इनको महंगाई शोर करेगी तो परचेज जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो प्लंज करेगी है ना बढ़े आगे चलो एफ्लुएंट वर्ड आपने देख लिया धनी को बोलते हैं एफ्लुएंट एफ्लुएंट जिसके पास पैसा हो याद रखें ये एफ्लुएंट वर्ड में ए लगा हुआ है अगर इस ए का मैं ई बना दूं ई बना दूं तो ये बन जाएगा एफ्लुएंट बोलते इसको भी एफ्लुएंट है लेकिन इस एफ्लुएंट का मतलब होता है गटर का गंदा पानी जो इंडस्ट्रीज से निकलता है घरों से निकलता है समझ पाए मेरी बात को एफ्लुएंट वो है जो वेस्ट वाटर होता है जो नदियों को खराब करता है एफ्लुएंट है आपका धनी लोगों का पैसा दोनों अलग वर्ड्स हैं कंफ्यूज किया है आपको आज के क्विज में दोनों को ध्यान देना चलिए अब लास्ट पैराग्राफ है आपको यहाँ अपना कंक्लूजन दे देगा कह कहरा येट द कंजम्पशन हैट इज़ कंसनट्रेटेड इन वेस्ट एंड सउदर्न इंडिया विद फ्यू सिटीज इन द नॉर्थ सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन्स रिफ्लेक्टिंग दिस प्रोस्पैरिटी कह रहा है ये जो एफ्लुएंट वर्ग है ना ये हर जगह नहीं है भारत में कह रहे जो कंजम्पशन का जो हैफ्ट है वो कंसनट्रेटेड है इस उपभोग का जो दबदबा है वो एक जगह पे बसा हुआ है फोकस्ड है और कहाँ पे वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में दक्षिण और पश्चिमी भारत में गुजरात में महाराष्ट्र में कर्नाटका में केरला में और तमिलनाडु में और कुछ एक सिटीज़ हैं जिसमें आपको नॉर्थ की मिलेगी दिल्ली जैसी सेंट्रल की मिलेंगी आपको कुछ ईस्टर्न रीजन्स मिलेंगे आपको आसाम की तरफ जो रिफ्लेक्ट करेंगे इस प्रॉस्पेरिटी को जो दिखाएंगे इस समृद्धि को बाकी जो आपको वेस्ट और सदर्न इंडिया मिलेगा समृद्ध इंडिया जो अगर आपको देखना हो हेफ्ट आपका सब्जेक्ट है इन्फ्लुएंस हैफ्ट मतलब आपका दबदबा है ना इन्फ्लुएंस क्लाउड हैफ्ट की वॉब हैस करा इकोनॉमिकली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज इन द वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री अगर इकोनॉमिकली देखें तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वो वाला पॉइंट जहाँ पे उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कंसंट्रेटेड हो या यूँ कह दें जहाँ पे उस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट जो है उसका इसेंस निकलता हो जैसे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपका टोर्सो का एरिया वैली से नीचे का एरिया थाईस के ऊपर का और वैलीस के नीचे का है ना तो कह रहे हैं वैसे ही हमारा अगर आर्थिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो वो लाई करता है पश्चिम और सदन पार्ट्स में भारत के सदन और जो है वेस्टर्न इंडिया में समझ गए इसकी भावना समझना वैसे तो मैं सीधे भी निकल सकता हूँ बोल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ छुपा हुआ है पर समझना पड़ेगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है कह रहा है वाइल्ड मिलियन सिल स्ट्रगल विद स्टेगनेंट वेजेस एंड सीक वंडर वर्क अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स द हाउस होल्ड्स एंड स्कॉन्स्ड इन देयर गेटेड कम्युनिटीज आर थ्राइविंग कह रहे हैं जहाँ दसियों लाख लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं स्टेग्नेट वेजेस के साथ में आगे ना बढ़ने वाली मजदूरी के साथ में वही दो सौ ढाई सौ तीन सौ रुपये में फंसे हुए हैं और सीख कर रहे हैं वर्क को गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर नरेगा जैसी एम जी नरेगा में वहीं भी ऐसे हाउस होल्ड्स भी हैं जो एंड स्कॉन्स्ड हैं एंड स्कॉन्स का मतलब होता है सेटल्ड और फिक्स्ड एकदम बढ़िया तरीके से सेटल्ड है ना ऐसे भी परिवार हैं जो सेटल्ड हैं गेटेड कम्युनिटी में बढ़िया जो है स्कीम्स के अंदर बाहर गेट लगा हुआ है चौकीदार बैठा है अंदर गार्डन है जिम है स्विमिंग पूल है कह रहे ये जो हाउस होल्ड्स है ना ये थ्राइव कर रहे हैं बहुत तेजी से प्रॉस्पर या फल फूल रहे हैं मिलियंस बड़े गरीब इनकी वो है स्ट्रगल जो रोज स्ट्रगल करते हैं और सीख करते हैं वर्क को काम को ढूंढते हैं सरकार से और ये जो हाउस होल्ड्स हैं जो बढ़िया अपने जो है सोसाइटी में रहते हैं इनकी वो है आर थ्राइव करना फलना फूलना प्रॉस्पर करना कह कैर इंडिया पोटेंशियल फॉर स्टडी ग्रोथ इवन एवरेजिंग सिक्स परसेंट कुड आउट शाइन मेजर मार्किट्स करे इंडिया की जो पोटेंशियल है लगातार रहने वाली जो ग्रोथ की यहाँ तक कि वो अगर छः परसेंट भी एवरेज करे एवरेज वो छः ही रहे कह करे वो आउटशाइन कर सकती है वो पीछे छोड़ सकती है चमक में बड़े बड़े, बड़े बाजारों को मेजर मार्केट्स को पोटेंशियल की वब है कुड कुड आउटशाइन करे सो वाइल इट मे नॉट रीच चाइनाज लेवल इंडिया ट्रेजट्री लुक्स प्रॉमिसिंग फॉर द रिंग 20s. कह रहे जहां ये हो सकता है चाइना तक ना पहुंचे चाइना की जो लेवल है वो अलग है चाइना की तो मेरे ख्याल से पर कैपिटा इनकम भी दस हज़ार से ऊपर है शायद 12 या पंद्रह हजार पर पहुंच गई होगी देख लेना इंडिया की भी चौबीस सौ है तो हमसे चार गुना अमीर है चाइनीज या पाँच गुना अमीर होता है एवरेज चाइनीज तो कह रहे हम चाइना तक तो नहीं पाएंगे बहुत जल्दी वहीं जो इंडिया की ट्रजट्री है जो रास्ता है जो पाथ है वो दिखाई देती है काफ़ी प्रॉमिसिंग काफ़ी अपने आप में संभावनाओं भरी और किसके लिए रोडिंग ट्वेंटीज़ के लिए भारत की रोडिंग ट्वेंटीज आ गई हैं जो 1920 में वेस्ट में हुआ था वो आप 2023 में भारत में देख रहे हैं इट की वॉब है मे नॉट रीच ट्रेजेक्ट्री की वॉब है लुक्स ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है जी आपका पाथ आपका ग्रोथ का तरीका कैसे आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाओगे कह रहे जी वाइल्ड डिस्पैरिटीज परसेस्ट बिटवीन रीजन्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टडी ग्रोथ इज ऑन द होराइजन जहाँ डिस्पैरिटीज आज भी प्रसिस्ट करती हैं जहाँ असमानताएँ है, आज भी बनी हुई हैं अलग अलग रीजन्स के बीच में वहीं जो प्रोस्पेक्ट है जो संभावना है लगातार ग्रोथ की वो हॉराइजन पे है वो क्षितिज पे है हमारे सामने है डिस्पैरिटीज़ आपका सब्जेक्ट है परसिस्ट इसकी वर्ब है प्रॉस्पेक्ट संभावना आपका सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब है वेन समथिंग इज ऑन हॉराइजन वो क्षितिज पे है सामने है नियर एंड सर्टेन है फोर है जिसको आप अच्छे से देख पा रहे हैं सिंपल सा आर्टिकल था अच्छा लगा होगा ऑफफुली आपको जल्दी से ख़त्म भी हो गया है जल्दी से अपने क्विज को देख लो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्या इन्फर किया जा सकता है इस पैसेज से इंडिया की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के बारे में अगर एक लाइन में बताना हो भारत कैसे ग्रो करेगा इस आर्टिकल को पढ़ के तो चार में से कौन सा वो सेंटेंस है जो वो एक लाइन बन सकता है हिंदी में खुद निकालो हिंदी ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका मीनिंग है कि ये डिपेंडेंट रहेगा भारत दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट पे भारत की ग्रोथ से एक्सपेक्टेशन है कि ये चाइना को पीछे छोड़ देगी डिस्पैरिटी जो है अमीर गरीब के बीच की वो इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक सकती है और इंडिया का जो पोटेंशियल है स्टडी ग्रोथ का वो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स की वजह से आया है ईजी है ना क्वेश्चन आंसर निकालो फर्स्ट कमेंट में मैंने अपना आंसर डाल दिया है वहाँ से मैच कर लो थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार बड़ा इजी क्वेश्चन है ये सेकंड में आपसे पूछा है जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब से जो सेल्स है हाई प्राइस कार्स की लग्जरी वॉचेस की ये क्यों बढ़ती जा रही है भारत में कौन लोग हैं जो महंगी महंगी गाड़ियाँ उठा लाते हैं है ना और जब रोलेक्स की और जो है राडू की वॉचेस लेकर के आते हैं कौन है लोग ये क्यों आ रहे हैं तो चार रीज़न आपको पूछे गए हैं बताए गए हैं सही रीज़न को निकालो सरकार पैसा देती है इन घड़ियों को खरीदने का गवर्नमेंट पैसा देती है या फिर ये कार्स की सेल जो है ना सेल्स कम है इसलिए लोग इनको खूब खरीद रहे हैं सेल्स कम है प्राइसेस भी कम हो गए इनके या फिर जो अमीर तबका है वो उसका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है या फिर लग्जरी ब्रांड जो है खूब मार्केट करती हैं अपने प्रोडक्ट को खूब मशहूरी वगैरह करती हैं इस वजह से हर आदमी इनकी दुकान पर आ जाता है महंगी महंगी चीज़ों को लेने के लिए निकाल लोगे गे अब तो ट्रांसफर ईजी है ना चलो स्पर्टिंग मोमेंट का क्या मीनिंग है ये आपको समझा दिया ऑफकोर्स आपको आना चाहिए वर्जन का आपसे मीनिंग पूछा है फ्लरिश जजमेंट हिट समन हार्ड या मोरबंट है ना चारों का मीनिंग आपको पता है चारों में से सही वर्ड का मीनिंग इससे कनेक्ट कर लेना पांचवा एक फिलर है एफ्लुएंट और एफ्लुएंट ए और ई e, दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा है मेरे ख्याल से सबका ये सही होगा एक एफ्लुएंट होता है अमीरी और एक एफ्लुएंट होता है गटर का पानी समझ गए ना तो सही वर्ड को लगाना जहाँ लगाना हो मीनिंग के हिसाब से छः में सातवें में दो एरर्स मिलेंगी पहली एरर मिलेगी द नंबर के आसपास या इसकी वजह से दूसरी एरर आपको मिलने वाली है दूसरी एरर मिलने वाली है प्रोपोर्शन नाम के वर्ड के वजह से या इसके आसपास मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में अंटिल देन क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें काफ़ी मेहनत लगती है मन से बनाता हूँ मैं मुझे तो मज़ा आता है देखो मेहनत तो ठीक है अपनी जगह पर है एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है ना यार चार बच्चे पढ़ें आगे बढ़ें जिनको कुछ ना मिल रहा हो कुछ और गाइडेंस कहीं और से ना मिल रही हो उनको भी गाइडेंस हम दे पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं तो कर ही रहा हूँ अपनी मेहनत लेकिन आपके लाइक्स और शेयर से चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो होता है इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें अंटिल देन साइनिंग आउट कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे जाके फ़ायदा ले सकते हो टाइम रहते ही कोर्सेज का फायदा लेना है ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर पंद्रह दिन रह गए एक महीना रह गया अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे राइटिंग का एसएससी का और बैंकिंग का ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है कोई भी क्वेरी ये नंबर है व्हाट्सएप का टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप